लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 746। हुण तक 44 शब्द संपूर्ण होए। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ सोहे महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा, रास मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ सुही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ दी इस पंक्ति विच पंचम पातशाह महाराज इस संसार दी लीला नूं बयान करदे ने कि उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने जिस तरह कृष्ण दी रास लीला हो रही है, कहिंदे इस तरह ही एक बहुत वड्डी रास पै रही है संसार दी इस ब्रह्मांड दे विच। इह सारा पसार उस मालक ने आप साजिया नवाजे, सब नू ये जीव आए ने जड़े वेखो कि सारे इस संसार ते भेजे आ, वो अपना अपना रोल अदा करके इस संसार तो जा रहे ने। एक बहुत वड्डा नाटक, बहुत वड्डा एक पिक्चर जड़ी है वो संसार चल रही है। ये धरती जड़ी है ना वो एक बहुत वड्डा अखाड़ा है जिथे ये रास मंडल हो रहे है। बहु बेद रूप रंग अपारा, पेख खुशी भोग नहीं हारा, खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस्त निरारा, सब रस लैत बस्त निरारा। बहुविद रूप रंग अपारा, पिख खुशी भोग नहीं हारा। देखो मरे कहते इस संसार दे उत्ते जीव ने जिहड़े आम करके असी चार विधियां नाल मनते हैं, अंडज जीरज सेतज उत्पुज, पर मरे कहते नहीं भाई बहुत विधियां होर भी ने इस संसार दे बड़ी विधियां नाल इस संसार नूं उह पैदा करदा है। तरह तरह के रूप रंग रेख बना के देखो कोई भी जीव इको जिहा नहीं। बच्चे ने जो कोई जन्म लेंदा है हैरान होइदा कि वह अजे हारिया नहीं, भाव अजे अकिया नहीं, अजे थकिया नहीं। मैं वेख रहा सी एक दिन उस बारे दस्या जा रहा जिहड़े जैबरे ने उन्हां दीआं धारियां हुंदीआं उत्ते शरीर दे उत्ते, पर उन्हां दीआं धारियां आपस में नहीं मिलदियां, उन्हां दी भी आइडेंटिटी है। वह कुदरत सानू वेखण इको जे लगते हैं पर इको जी नहीं होंगे, उन्हां विच भी डिफरेंसिस है। बिल्कुल उस तरह ही जिस तरह साडे हाथां दीआं उंगलियां दे डिफरेंस किसी नाल नहीं मिलते, इसी तरह ही उस परमात्मा ने जो इस लीला नूं वेखदे आ ते असी वेखदे आ कि अजे वह अक्या नहीं, अजे वह संसार तो हारिया नहीं, वह बना रहा न साहिब मेरा नीत नाम सदा सदा दा तार। कहिंदे पेखै खुशी भोग नहीं हारा, वो संसार नूं बना के वेखदा है, खुश हुंदा है, भोगदा है, अजे हारिया नहीं, अजे अक्या नहीं। सब रस लैत बस्त निरारा, ये संसार दे सारे रसां नूं भोगदा भी है क्योंकि जीवां विच आप वसदा है, पर ये तो निर्लीप रहिंदा है। ये संसार विच रहिंदा होया भी जीवां दे नाल रहिंदा होया भी निर्लीप है। हां जी
बरन चहन नाही मुख नामा सारा, बरन चहन नाही मुख नामा सारा, कहन न जाई खेल तुहारा, कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा, नानक रेण संत चरनारा, वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारा, कहन न जाई खेल तुहारा। हे प्रभु जी, तुहाडा ना कोई वर्ण चिन्ह, ना रंग, ना रूप, ना रेख, ना भेख, कने ना मुख, ना बसार। बसार तो भाव है मुख उत्ते, ना कोई दाढ़ी, ना कोई मुछ, भाव निरंकार स्वरूप है, निरंकार स्वरूप है। क्योंकि सानू महाराज ने पहला ही आरंभता विच इह गल समझा दी कि ओ वाहिगुरु अकाल पुरख जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरप्रसाद, ये उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी का दर्शन है। कोई रूप रंग रेख भेख नहीं है। कह न जाई खेल तुहारा, ये प्रभु जी ये थोड़ा थोड़ा खेड इस संसार का उसी आन जान का बनाया है, ये मोह ते माया दा। इहदे बारे कोई बयान नहीं कर सकिया, जीव किवें आ रहे ने, कर्मा दे बदे आ रहे ने, कर्मा बदे जा रहे ने, किवें आ रहे ने अपने अपने कर्मा अनुसार। जिहनू कबीर साहब नूं कहना पिया इह गल बाणी विच कि अपने कर्मन की गत, मैं क्या जानो बाबा ने। असीं नहीं कह सकते, असीं नहीं जान सकते कि असीं इह जन्म किवें लै रहे हां, किवें आ रहे हैं, किवें जा रहे हैं, किहड़े किहड़े कर्मा करके साढ़े दुख सुख ने, दुख भोग ने, कोई नहीं दस सकिया अजे तक। नानक रेण संत चरनारा, पर वेखो जिन्हां दे अंदर नाम की कणी है वह की हो गए, चरण धूड़ हो गए। तो पंजवें नानक पातशाह मगर हे प्रभु जी असी तेरे जिहड़े संत जन ने, तेरे प्यारे ने, उन्हां दी चरण धूड़ हाँ। हाँ जी, सोही महला पंजवा, सोही महला पंजवा, तो मैं आया शरणे आया, तो मैं आया शरणे आया, परोसे आया कृपा आया, परोसे आया कृपा आया, जो पावे तू रखो स्वामी, जो पावे तू रखो स्वामी, मार्ग गुरे पठाया, मार्ग गुरे पठाया, रहाओ रहाओ। सुही महला पंजवा, तो मैं आया शरणी आया, भरोसे आया कृपा आया, ज्यों भावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरे पठाया, रहाओ। रहाओ की इस पंक्ति विच परमात्मा नूं उस वाहिगुरु अकाल पुरख नूं संबोधन होए हुए कि हो प्रभु जी असी तो मैं आया, मैं तेरे पास आया, शरणी आया, शरणी आया, मैं तेरी शरण विच आ गया, अपना मत बुद्ध त्याग के सारा कुछ छड के ना मैं हुण तेरी शरण विच आ गया, भरोसा आया कृपा आया। परमाने अगड़ियां दो गल्लां आखियां, एक ते मैनूं तेरे ते भरोसा है, यकीन है, ते दूजा आया भी तेरी कृपा नाल ही है, क्योंकि तेरी कृपा हुई तां ही बंदा संगत विच आउंदा, तां ही शरण विच आउंदा है। ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरै पठाया, हे प्रभु जी सानू इस मार्ग ते गुरु ने भेजिया है तुहाडे पास, हुण तुसीं जिवें सानू चाहुंदे हो अपनी रजा अनुसार रखना करो जी, असीं तुहाडी शरण विच आ गए हां, तुहाडे ते भरोसा करके आए हां, हुण तुसीं आप कृपा करो, बख्शिश करो। हाँ जी, महादूतर माया, महादूतर माया, जैसे पावन चुलाया, जैसे पावन चुलाया, महादूतर माया जैसे पावन चुलाया। देखो कहते संसार की जी माया है ना वह दुतर है, औखी है, तरनी, कहते वो साढ़े जीवन रूपी बेड़े नू
झलोरे मारदी जिस तरह समुंदर विच हवा चलदी होवे ते बेड़ा डुब सकदा है डोलदा है बेड़ा। कहिंदे इसे तरह यह हवा दे झोले आउंदे ने भाव ए माया दे चलकारे माया दे धक्के थां थां ते वजदे ने। हे प्रभु जी इहनूं तरना औखा लगदा है सानूं। हांजी सुन सुन हे डराया सुन सुन हे डराया कर रो धर्म राया सुन सुन ही डराया कर रो धर्म राया। मारे कहिंदे अगली गल ये लोगों ने डराए हुए असीं तां सुन सुन के डरे हुए हाँ भी अगे धर्मराज बड़ा औखा है कि साढ़े बाबे भी ढोलकियां कुट कुट कही जाते हैं लेखा लऊगा धर्मराज बाणियां बहियां तेरियां फोल फोल के ऐसा डराया ऐसा डराया। क्योंकि धर्म जिहड़ा है सच जिहड़ा सानूं डर तों मुक्त करता है पर सानूं डराई जाते कहिंदे सुन सुन के असीं डरे हुए हाँ अंदरों मंदर डर बैठ गया मौत दा कि मरन तों बाद फिर की होएगा मौत किवें आएगी अगे सानूं की करनगे अगे सानूं तेड़ च बाल देणगे अगे सानूं आरे नाल चीर देणगे पता नहीं की कुछ डराया गया बचपन तों लैके असीं वेखदे हाँ फोटोआं वेखदे हुंदे सी उह इक धर्म खेत्र विच सानूं डरा डर पा दित्ता गया कहिंदे साडे ते। हांजी ग्रह अंध कुपाया पावक सगराया ग्रह अंध कुपाया पावक सगराया। तो अगली गल सानू इस दसी गई दसी जा रही है कि जिहड़ा यह संसार है ये तो इन्ना कु है इतने अन्ना खूह है जिदे विच अग ही अग है तिशनावां दी होमे दी हंकार दी ईरखा दी विकारां दी कहिंदे अग दा खूह है इह सारा दा सारा। इह तुहानूं समझाया गया जिउं असीं सुणदे हां जिउं जिउं पढ़दे हां तां समझ आउंदी गई इस करके सानूं तरना औखा लगदा इस माया नूं। हांजी गही ओट साताया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया गही ओट साताया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया। तरीका दसता मारे सानू नाल लास्ट जिहड़ा बोल है पंचम पातशाह मगरे मैं गही ओट साधाया मैं उन्हां साध जना दी जिन्हां ने अपने जीवन नूं साध्या होया। वह साधा नहीं करो भजे उन्हां दी गल नहीं कर रही महाराज साध संगत दी गल हो रही जो मैं साध संगत आ के ओट पकड़ी नानक हर त्याया। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਤੁਠਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਰਹਾਉ ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ
सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक है, एक रस है, सर्वव्यापक है, तो सतगुरु की कृपा द्वारा उदी बख्शिश हुंदी। सतगुरु पास बेनंतिया मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। इस शब्द विच सानू महाराज ने समझाया कि फिर साढ़े कोल इको एक तरीका है कि गुरु नू हाजर नाजर जान के, उस प्रभु नू हाजर नाजर जान के अरदास कर सकते हैं असीं ते, क्योंकि सिख कोल सब तो वड्डा हथियार अरदास है। अरदास सब तो पहला पहुंचती है उस मालिक दे दर ते। इस करके महाराज ने जिन्हों अरदास करनी आ गई ना, जे असीं जन बन के अरदास करिए बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, वो व्यर्थ नहीं जाती, कदे व्यर्थ हो ही नहीं सकती। सतगुरु पास बेनतिया मिले नाम आधारा। सतगुरु पास बेनती करते हैं बार 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 बार, हे प्रभु जी सानू तुहाडे नाम का आसरा मिल जाए, क्योंकि साडा मन डोल जाता है, असी वक्रे वक्रे आसरे लभण लग जाने। फिर ये कृपा करो साढ़े ते, तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। जदों उस पातशाह ने, उस प्रभु ने बेनती सुनी, खुश होया, कहने ये संसार का ताप लै गया। ये संसार के कड़े ताप ने, तीन आद ब्याद उपाद ताई मगन, तीन ने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़न को लागै जा की रब आगै अरदास। जिहड़े उहदे अरदास करदे ने, बेनती करदे ने, उह टुटदा है, खुश हुंदा है, जदों हाजर नाजर समझ के करिए। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। हे प्रभु जी तू सच्चे हो, सिरजनहार हो, अपने भगतां दी अपने संतां दी टेक हो, आसरा हो। तुसी जिहड़े तेरे संत ने, तेरे संत जन ने, तेरे प्यारे ने, तेरे भगत ने, वह तेरा ही आसरा लेंदे ने, क्योंकि तू सच्चा है, सिरजनहार है, सारी सृष्टि का सच्चा सृजनहार तुसी आप हो। इस करके तुहाडे अग्गे ही बेनती कर सकते हाँ। हांजी सच तेरी सामग्री, सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खाजिनिया, सच तेरे खाजिनिया, सच तेरा पासारा, सच तेरा पासारा, सच तेरी सामग्री, सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजिनिया, सच तेरा पासारा। क्योंकि महाराज सानू समझाउंदे ने बाणी विच कि ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, वो वसत है। इस करके जब वो है विच वसता, फिर सारा कुछ ही सच है। तू नजर नहीं आउंदा, तू विसरै तां सब को लागू, चीत आवै तां सेवा, फिर ये सारा कुछ झूठ है। जो कुछ नज़र आउंदा है वो फिर झूठ है, क्योंकि अंदर झूठ है, साढ़े नज़र ही है। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी कि अखां दा ऑपरेशन तो हो सकता नज़र का, नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का नहीं। नज़रिया होर चीज़ है तो नज़र होर चीज़ है, बस यही गल जो सू समझ आ गई। तो जिन्हों का यह ऑपरेशन नज़रिए का, तो फिर गुरु ही करता है, नज़र का डॉक्टर कर सकता है। हूँ महाराज कहने नज़र है तेरी, जिन्हें ने तेन हाजर नाजर जान के जो तेरी तेरी अगे अरदास करते ने, सच तेरी सामग्री, सच तेरा दावा दरबारा, ये जो तेरे साधन सू दते ने ना जीवन वास्ते, ये भी सच ने। तेरा दरबार, तेरा हुक्म, वह भी सच है। सच तेरे खजिनिया, सच तेरे, सच तेरा पासारा, ये तेरे भंडार भरे पे ने, ये भी सच ने। असी एवं कही जाने बड़े बचपन सुनते आ रहे हैं भी बस जी हूँ पेट्रोल खत्म हो जूगा, हूँ लोहा खत्म हो जूगा, निकली जा रहे हैं, चली जा रहे, कदे नहीं घटिया, कदे नहीं घटिया। वो भंडार भरे हुए ने, सानू लगता है सानू डरे हुए हैं, असी आप ही अंदरों, उस मालिक ने सानू सब कुछ दे के भेजे है, ऐसी कोई गल नहीं, पर सानू अजे भरोसा नहीं। जिन्होंने भरोसा है फिर उन्होंने पता लग गया, यह गल समझ आ गई, वह बेपरवाह हो गए,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਹੀ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਉ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ तेरा रूप अगम है, तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दर सारा, अनूप तेरा दर सारा, हाँ कुर्बानी तेरिया सेवका, हाँ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा, तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा, हाँ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। हे प्रभु जी, तेरा रूप अगम है, पहुंच तो बार है, जिहड़ा तेरा रूप है दर्शन जे कोई करन दी कोशिश करदा है कहिंदे साडी मत बुद्ध तो अगे है। अनूप तेरा दरसारा, तेरे दर्शन इहो जे ने जिन्हां नूं होए कहिंदे ओह अनूप हो, भाव अन उपमा, जिहदी उपमा ही नहीं कीती जा सकदी, किसे नाल असीं कंपैरिजन नहीं कर सके उहदा। हां कुरबानी तेरिया सेवका, ते मैं जिहड़े तेरे सेवक ने उहनां तों कुरबान जाना, बलिहार जाना, जिन हर नाम प्यारा। हे प्रभु, जिन्हां नूं तुहाडा नाम प्यारा है ना, मैं उहनां तों सदके जाना, उहनां तों बलिहार जाना। सबे इच्छा पूरिया, सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरना को बलिहारा, तेरिया चरना को बलिहारा। सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म, तेरिया चरना को बलिहारा। ते महाराज कहिंदे जदों जा पाया अगम अपारा, जदों असी उस अगम नूं उस अपार नूं साध संगत नाल मिलके गुरु की कृपा नाल प्राप्त किया, कहिंदे मन दीआं सारीआं इच्छावां पूरियां हो गईआं, क्योंकि मन अंदर इच्छा ही कोई ना रही। जब गुरु देखा तो बिस्म पई। इस अवस्था है जदों असी उहदे दर्शन कीते मंगणे भुल गए। की मंगीए, ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਲਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਮਗਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ,
राग सोही महला पंजवा राग सोही महला पंजवा कर सतवा कर सतवा एक ओंकार एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु प्रसाद तेरा पाना तू है मनाहे तेरा पाना तू है मनाहे जिसनो होए दयाला जिसनो होए दयाला साई भगत जो तुद पावे साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतिपाला तू सर्व जिया प्रतिपाला मेरे राम राय मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी संता टेक तुम्हारी जो तुद पावे सो परवान जो तुद पावे सो परवान मन तन तू है आधारी मन तन तू है आधारी रहाओ रहाओ राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुही राग विच पंचम पातशाह दा इह शब्द सतवें घर विच महाराज गाउण दी तकीफ कीती ते नाल मंगलाचरण मरणे आरंभ कीता विशा बदलिया एक ओंकार सतगुरु प्रसाद परमात्मा एक है एक रस है सर्वव्यापक है ते सतगुरु दी कृपा द्वारा उहदी बख्शिश हुंदी तेरा भाणा तू है मनाए जिसनो होए दयाला साई भगत जो तुद भावे तू सर्व जिया प्रतपाला तेरा भाणा तू है मनाए जिहड़ा भाणा मनना है ना मगर भाणे विच को विरला आया विरले विरले ने पर वो भाणा भी आप ही कृपा करके मनाउंदा है जे कोई कहे कि मैं उहदे भाणे च रह लवांगा भाणा कित्थों हो गया मैं ते नाल लग गई मैं लगी ने नाल भाणा कित्थों आ गया फिर कहिंदे मैं टुटी क्योंकि जिसनूं तूं जणाए सोई जण जाणा है हर गुण सद ही आख बखाणा जिसनूं तूं जणाउंदा है जिहदे ते तूं कृपा करदा है जिहदे ते तुसीं बख्शिश करदे हो ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਹੈ ਦਯਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਯਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਗਤੀ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੰਤਾਂ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਜੋ ਦੁੱਧ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਤਨ ਤੂੰ ਹੈ ਆਧਾਰੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਐ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੂੰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ
वह कबूल कर लेंगे ने, दुख दें सुख दें जो मर्जी दें वो विच खुश ने आनंद ने। देखो गुरु नानक पातशाह जी असी शब्द पढ़ते हैं, केत्या दुख भूख सदमार भी दात तेरी दात, महाराज ने कहा किन्निया नूं ये दुख ये भुख देना हे प्रभु ये भी तो तेरी दात है, ये भी तेरी दात है, क्योंकि दुख विच ते बंदा आराधदा है ना, बापू की चपेट वजे तो बंदा सुधरदा, वो दुख सानू जिंदगी नाल जोड़ देंदे ने, दुख सानू बड़ा फायदा देंदे ने, दुख विच अपने ते बगानियां की पहचान हो जाती है। दुख एक ऐसी चीज़ है बड़ा कुछ प्रैक्टिकली सानू समझाउंदा है। इत्थे हुण महाराज कहिंदे भाई तू जो दुध भावै सो प्रवान तन मन तू है आधारी, वो तन करके ते मन करके हे प्रभु जिहड़े तेरे संत ने तेरे प्यारे नूं उहनां नूं तेरा ही आसरा है, इस करके वह तेरे भाणे विच रहिंदे ने, जो तुहाडा हुक्म हुंदा है जो तुहाडा भाणा वरतदा है उस भाणे की उस रजा ते हुक्म विच प्रवान कर लैंदे ने, कबूल हो जांदा उहनां नूं। हांजी तू दयाल कृपाल कृपा निद, मनसा पूरन हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूरन हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। परमात्मा नु संबोधन होए हे प्रभु जीओ तुसी दयालु हो, दया दे कर हो, दयाल कृपा निदान हो, कृपा निद हो, कृपालू हो, मनसा पूर्ण हारा सारियां इच्छावां ख्वाहिशां पूरियां करन वाले हो, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, हे प्राणा दे पति हे प्रीतम प्यारिया जिहड़े तेरे भगत ने वो सारी ते तेरे ने, तू भगतन का प्यारा ते भगतां दा तू प्यारा है, तेरे ते भगतां विच सुमेल बनिया होया है, उन्हां दी प्रेम दी डोरी च बन्ने होए हो तुसी। परमात्मा दे गुण महाराज बयान करते ने कि तुसी दयालु हो, कृपालू हो, मनसा पूर्ण हार हो, तुसी प्राणपत हो, पर तुहाडे ते भगतां विच इकमिकता है, एक सारता है, तुसी प्रेम विच बद्धे होए हो, तुसी भगतां दे हो, भगत तुहाडे ने। हांजी तू अथाह अपार अति ऊंचा कोई अवर न तेरी पाते, एह अरदास हमारी स्वामी विसर नहीं सुख दाते, तू अथा अपार अत ऊंचा कोई अवर न तेरी पाते, ए अरदास हमारी स्वामी विसर नहीं सुख दाते। देखो परमात्मा दे गुणा नूं बयान करके महाराज परमात्मा नाल सीधी गल पे करदे ने, संबोधन हो के कि प्रभु जी तुसी अथाह हो, तुहाडा कोई था नहीं पा सकिया, तुहाडा कोई भेत नहीं पा सकदा, तू अथाह अपार कोई पारावार नहीं तुहाडा, अत उच्चा साडी मत बुद्ध तो थले रह जांदी है, साडी पहुंच उत्थे तक कित्थे है, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, असीं थोड़ी राम वाले हाँ, थोड़ी मत वाले हाँ, कोई अवर ना तेरी पाते, हे प्रभु होर तेरे वर्गा दुनिया ते है कोई नहीं, ए अरदास हमारी स्वामी हे सृष्टि दे मालका साडी तुहाडे अगे एक अरदास है, विसर नहीं सुख दाते, हे सुखां दे दाते आ सानू विसरी ना, बस ये कृपा कर, साडी मत थोड़ी है, असी अज्ञानी हाँ पर तुसी कृपा करो, तुहाडे तक असी पहुंचते नहीं कर सकते, बस ये कृपा कर दिओ, साडे ते कृपा निद हो, दयालु हो, कृपालु हो, तुसी बस सानू विसरो ना, ये कृपा करो साडे ते। हाँ जी
दिन रहन सास सास गुण गावा, दिन रहन सास सास गुण गावा। जे स्वामी तुद पावा, जे स्वामी तुद पावा। नाम तेरा सुख नानक मांगे, नाम तेरा सुख नानक मांगे। साहेब तुठे पावा, साहेब तुठे पावा। दिन रहन सास सास गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा। नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। अखीर विच फिर पंचम पाश मगर हे प्रभु जी, दिन रात स्वास स्वास मैं तेरे गुण गाउंदा, जे किते मते तेनू पा जावां। मैं ते उठत बैठ सोबत नाम, मैं ते हर वेले ही तेनू गाउंदा रहना, मते किते तेरी निगाह थले आ जावां मैं भी। जे स्वामी तुद पावा, हे स्वामी हे प्रभु, जे किते तेनू पा जावां मैं, चंगा लगन लग जावां। नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। ते पंजवें नानक पातशाह प्रभु जीओ, ये असली सुख जिहड़ा तेरा नाम है, नाम विच सुख है असली, वह मैं तेरे को मंगदा, साहिब तुठे पावा। ये कदे कदों मिलेगा? जदों मेरा साहिब तुठेगा, खुश होएगा। जदों कितें खुशी करदा है, कितें बख्शिश करदा है, तां ये नाम की दात प्राप्त हो रही है। नहीं तो मैं लग्या होया, मैं उठदिया बहिंदिया तुरदिया फिरदिया तेरा नाम ध्यौंदा रहिंदा, मते किते मैं तेरी नज़र थले आ जावां, मते किते तू सानू साडे वल किते निगाह कर लवे, किते टुट जाए, ये नाम की दात साडी किते झोली च पा देवें। इस करके केसो केसो कूकी है, असीं तां कूक रहे हैं बार 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 बार, कदे शायद किते उहदी निगाह पै जाए, कितें बख्शिश हो जाए, वह गुरु कित कृपा कर दे, कित बख्शिश कर दे, कदों कर दे, ये हम उ जानते हैं, क्योंकि साहब हथ बड़ी आई ने। इसे सू महाराज ने समझाया कि तू सिमरन करता रहो, करता रहो, मते उन्होंने भा जाए, मते वो कृपा कर दे, वह बख्शिश कर, तेरा जीवन समर जाए। वाहेगुरु वाहेगुरु। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणी, हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणी।